अम्बाला में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार से हमारी संवाददाता सलोनी मलिक ने खास बातचीत की, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गरीबों के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण में समानता को लेकर भी लड़ाई लड़ेंगे। चुनावी रण सज चुका है, सभी पार्टियों ने अपने धुरंधर को इस रण में उतार दिया है। इसी बीच लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अम्बाला से शैलेंद्र कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके चुनावी जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे। जी पहले तो मैं सभी को अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा और मैं अम्बाला छावनी विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर उतरा हूँ लोक तंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से। हमारी पार्टी के और मेरे खुद के पर्सनल मुद्दे जो हैं वो गरीबों की हक की लड़ाई के मुद्दे हैं। जैसे कि पहला मुद्दा आरक्षण में समानता को लेके हमारी पार्टी का है, जिसकी वजह से राजकुमार सैनी पूरे हरियाणा के अंदर जाने जाते हैं। और दूसरा मुद्दा जो हमारा खुद का है वो उन लोगों का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं जो लोग वर्षों से अपनी ज़मीनों पर लेके बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें आज तक भी अपनी जगह का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। बीजेपी 75 पार का नारा बोल रही है, आप बताइए क्या कहेंगे? नारा लगाने को हम भी कह सकते हैं, नारों में क्या है जी। लेकिन धरातल की अगर हम स्थिति देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी की स्थिति इस तरीके से है कि वो बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना सके। आपका जो आपका कॉम्पिटिटर रहेगा आप किसे मानते हैं? हम कॉम्पिटिटर मान के किसी को नहीं चल रहे हैं। हम लोग गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में उतरे हैं और गरीबों के मुद्दों को लेके ही राजनीति करेंगे, ना कि हम दूसरे विपक्ष पे उंगलियां उठा के राजनीति करेंगे जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए काम करेंगे और जो मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी आरक्षण जैसे मुद्दे इनके रहेंगे। सहयोगी नरेश सैनी के साथ सलोनी मलिक, R9 TV अम्बाला।